ओपी राजभर पर सवार हो गई किसी और की आत्मा, भूत पिशाच के चक्कर में तो नहीं फंस गए ओपी राजभर? अखिलेश यादव ने साधा ऐसा निशाना कि सुनकर सब चौंक गए। देखिए अखिलेश को कब पता चला कि राजभर पर इस प्रेत का साया है। अखिलेश यादव आजकल फ्रंट फुट पर आकर पॉलिटिकल मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। राजभर के लाख सवालों का एक लाइन में जवाब देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। अखिलेश ने जो कहा उससे तो साफ हो गया है कि आने वाले समय में सपा और राजभर का दोस्ती की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर इशारों ही इशारों में सब कुछ कह दिया है। ना तो भाजपा का नाम लिया और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन समझने वाले सब समझ गए। आप पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर आपको बयान के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ को भी समझाएंगे। आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के मायने बड़ी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि राजभर में किसी और की आत्मा घुस गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से भाजपा के साथ राजभर की दोस्ती बढ़ रही है उसी पर अखिलेश ने निशाना साधा है। पर्दे के पीछे भाजपा का साथ लेकर अखिलेश ने दिखा दिया है कि वे फायदे के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं, और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने राजभर को राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी। सपा अब अपने साथ मौका परस्त नेताओं को नहीं रखना चाहती, और आने वाले समय में भी यही नीति अपना कर रखी जाएगी।